अडानी के मामले पर सड़क से संसद तक घमासान चल रहा है। भारी हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष जेपीसी मांग पर अड़ा हुआ है, बाजार से भी अडानी को राहत नहीं मिल रही। आज फिर अडानी के शेयर धड़ाम हुए, अमीरों की लिस्ट में टॉप 20 से भी अडानी बाहर हो गए। राहत बस इतनी है कि रेटिंग एजेंसी फिंच ने कहा है कि अडानी ग्रुप के रेटिंग पर कोई असर इससे नहीं पड़ेगा। हालांकि रेटिंग एजेंसी मूडीज ने माना है कि बाजार में शेयरों के गिरने से अगले एक या दो दिन तक अडानी की पूंजी जुटाने की क्षमता होगी। हालांकि उसने जो कर्ज लिया हुआ है उसकी देनदारी 2025 तक है और अडानी ग्रुप के पास अभी काफी समय है, यानी कि 2025 तक का समय है, 2 साल पूरे हैं। लेकिन निवेशकों के हितों की रक्षा को लेकर विपक्ष सरकार पर जबरदस्त हमलावर है। वो लगातार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहा है और जांच की मांग कर रहा है। कभी नंबर दो पर, दुनिया के नंबर दो सबसे अमीर व्यक्ति थे अडानी, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों में, 9 दिनों के अंदर अडानी अब टॉप 20 में भी नहीं रहे हैं, वो बाहर हो गए हैं। देखिए, अब सितंबर 2022 में वो दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा पैसे वाले दौलतमंद व्यक्ति थे और आज यानी कि 3 फरवरी को वो 21वें नंबर पर है। अडानी का भ्रष्टाचार नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार है। मोदी जी ने उसको पोर्ट दिया, मोदी जी ने उसको एयरपोर्ट दिया, मोदी जी ने उसको कोयला दिया, मोदी जी ने उसको बिजली दिया, पानी दिया, सब कुछ तो उसके हवाले कर दिया। हजारों करोड़ की ड्रग्स उसके पोर्ट पे पकड़ी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। इतना बड़ा महाघोटाला सामने आ रहा है, उसमें कहीं कोई कार्रवाई नहीं। तो ये भारत के प्रधानमंत्री की खामोशी ये बताती है कि उनका और उनकी पार्टी का काला धन जो विदेशों के माध्यम से अडानी की कंपनियों में आया, उसकी जांच कराना नहीं चाहते। एक बात सही है कि अडानी साहब को जिस तरीके से पैटर्नेज मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, हर आदमी जानता है, वो कोई सीक्रेट ही नहीं है। वरना वो 2 साल में इतने फास्ट ग्रोथ वर्ल्ड में नहीं है, जो आदमी वर्ल्ड का सेकेंड रिचेस्ट आदमी बन गया था, ठीक है, हमें उसे जेलसी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हिंडनबर्ग का जब रिपोर्ट आया था, जिस तरीके से प्राइसिंग हाइक करे हैं, बाद में वो जाके वर्ल्ड डेट्स के पर कोलैटरल करे थे, ये बहुत सी चीजें हैं जो से भी देख सकती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक कंपनी जिसको कोई भारत में जानता भी नहीं है, वो एक रिपोर्ट जारी करती है और $100 बिलियन का नुकसान हो जाता है। तो क्या जो हमारी नियंत्रण वाली संस्थाएं हैं, सेबी है, आरबीआई है, उससे कहीं पे चूक हुई है? क्योंकि ये भारत की विश्वसनीयता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है एज अ सिक्योर मार्केट। हंगामा तो होगा, इस विषय पर हंगामा नहीं होगा तो कौन से विषय पर होगा? ये देश लूटने की बात है। LIC हो, स्टेट बैंक हो, ये दोनों जो सार्वजनिक उपक्रम है उसको लूटने की बात है। जनता का पैसा है, गरीबों का पैसा है। बाकी वो कंपनी क्या करती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब LIC का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का विषय आता है तो हम जरूर हंगामा करेंगे।